हाय एवरीबॉडी, हाउ इज लाइफ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कभी भी आपको बोलना हो अबे छोड़ ना यार, क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं, अबे छोड़ ना यार, क्यों मुसीबत बुला रहे हैं, तो इन बातों को कैसे बोल सकते हैं? दोस्तों, ये ऐसे फ्रेजेज हैं जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, और अगर हम इनको सीख लें तो हमारे लिए इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान हो सकता है। तो दोस्तों, आज का हमारा यही टॉपिक है, ये कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश है कि जो हम इंग्लिश कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, और टॉपिक का नाम है लिविंग थिंग्स एज दे आर। जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही छोड़ देना, उसको उसके उसी हाल पे छोड़ देना। तो जैसे आप बोल सकते हैं लेट इट बी, अबे छोड़ ना यार, जो जैसा है वैसा रहने दे, छोड़ ना यार, लेट इट बी, लेट इट बी। या बोल सकते लेट इट गो, कि इसके पीछे मत पड़, जाने दे, कि जो भी मामला है उसको जाने दो, इसके पीछे मत पड़ो, लेट इट गो, लेट इट बी, लेट इट गो। नहीं तो बोल सकते लीव इट बी, ये अपने कंट्री में थोड़ा कम चलता है, बट हम सीख सकते हैं, इसको नई चीज़ है हमारे लिए, लीव इट बी, कि इसको जो जैसी चीज़ें उसको वैसे ही रहने दो, छोड़ो इसको, क्यों दिमाग अपना खराब कर रहे हो, लिव इट बी। नहीं तो बोल सकते डोंट मेक ट्रबल, अबे क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हम बोलते ही क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर, अबे छोड़ ना यार, तो आप बोल सकते कम ऑन मैन, डोंट मेक ट्रबल। या बोल सकते डोंट रॉक द बोट, नाव को हिलाओ मत ऐसे ऐसे, यानी लाइफ में हलचल पैदा मत करो, बिना मतलब की परेशानी मत पैदा करो, बिना मतलब का हंगामा मत खड़ा करो, डोंट रॉक द बोट, यानी जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। या आप बोल सकते हैं लेट थिंग्स बी, अबे छोड़ ना यार, जो चीज़ जैसी उसको वैसे ही रहने दे, क्यों छेड़ रहा है, क्यों मुसीबत मोल ले रहा है, क्यों मुसीबत को बुला रहा है, लेट इट बी। तो दोस्तों, मीनिंग वही है, अब हम जब हम बोलते हैं ना अबे छोड़ ना यार, जो जैसी चीज़ें वैसे रहने दे, मिट्टी डाल, पानी डाल इस पे, ऐसे करके बोलते हैं, तरह तरीके से अलग अलग तरीके से बोलते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में इन्हीं तरीक़ों से उनको बोल सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, एक बहुत अच्छा एक कहावत है, इफ़ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट। कहा जा रहा है कि अगर कोई चीज़ टूटी हुई नहीं है तो उसको तो जोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो अगर कोई चीज़ टूटी हुई नहीं है तो उसको जोड़ने की कोशिश मत करो, यानी कि खामखा टांग मत अड़ाओ, खामखा की मुसीबत मोल मत लो, छोड़ ना यार, वही बात घूम फिर के बात वहीं पर आती है। या हम बोल सकते हैं लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, कि जो कुत्ते सो रहे हैं उनको लेटा ही रहने दे, क्यों उनको जगा रहा है नहीं तो अगर वो जग गए तो उठ के काटेंगे, यानी कि अगर कोई मुसीबत नहीं है तो खामखा क्यों मुसीबत मोल ले रहे हो, मुसीबत में अगर मुसीबत मोल लेंगे तो हम फंसेंगे उसमें, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। उसके बाद दोस्तों डोंट मेक वेव्स, वेव का मतलब था लहर, कोई कह रहा है लहरें पैदा मत करो, यानी कि हलचल पैदा मत करो, यानी कि कोई हंगामा खड़ा मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा मत करो, डोंट मेक वेव्स, तो ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों डोंट गो लुकिंग फॉर ट्रबल, कोई कह रहा है अबे क्यों मुसीबत को बुला रहा है खामखा, जब कोई पंगा ही नहीं है, जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब कोई लफड़ा ही नहीं है, तो क्यों खामखा मुसीबत को बुला रहे हो, डोंट गो लुकिंग फॉर ट्रबल। तो दोस्तों ये सारे सेंटेंसेज ऐसे हैं जिनकी मदद से हम ये बोल सकते हैं कि क्यों खामखा मुसीबत मोल ले रहे हो, क्यों खामखा पंगा ले रहे हो, क्यों बिन बुलाई मुसीबत को बुला रहे हो, क्यों किसी के फटे में टांग अड़ा रहे हो, तो अबे छोड़ ना यार, ये सब बातें बोलनी हो तो दोस्तों आप ये सारे बोल सकते हैं। इनमें से अगर आप 3-4 भी याद कर लें तो आपके लिए आपका काम चलता रहेगा, आप इंग्लिश बोलते रहेंगे। दोस्तों मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश की है, उसमें इस तरह के और भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने बताया है कि आप कैसे इंग्लिश में तरह तरह की बातों को बोल सकते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको वो सारे टॉपिक्स एक एक करके पढ़ने चाहिए और सीखने चाहिए। मेरे चैनल पे और भी प्लेलिस्ट है, अगर आपको ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ने हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट है, अगर आपको सिर्फ सेंटेंस मेकिंग सीखनी हो कि दुनिया में अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस कैसे बनाए जा सकते हैं तो उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट है, और एक प्लेलिस्ट दोस्तों प्रोनंसिएशन की है, उच्चारण की है, जहाँ मैं कैसे वर्ड्स का के उच्चारण, फ्रेजेस के उच्चारण, नाउन्स के वर्ब्स के प्रोनंसिएशन अलग अलग है, उनके क्या रूल्स हैं वो भी मैंने बताए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरे चैनल पर आप अच्छी इंग्लिश सीख रहे होंगे और आपके लिए इंग्लिश में लिखना और बोलना और भी आसान हो रहा होगा। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, विल लर्न समथिंग इंटरेस्टिंग अगेन टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।